अब इसके जो जी में आए करे, जहाँ चाहे दूल्हा बन के चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखने वाली। आज मैं माने क्या चाह रही हूँ, क्या कहोगी? वही जो हो गया। भाई बात ये है कि ये रिश्ता तो किया और तुम तो, हम तो वहां गए भी नहीं। अगर हम जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। हाँ डैडी, सीधी सी बात है, हमारा वहां जाना नहीं बनता। देखिए अम्मी तो जाएंगी, तो फिर भले खदीजा बाजी के साथ घर की किसी औरत को भेज दीजिए। अगर मेरे घर में कोई कमारा लड़का होता तो मैं सोचता भी, इनकार के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो क्या मैं अकेली जाऊंगी? नहीं नहीं, अक्का मियां तुम्हारे साथ जाएंगे। देखिए ये हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं है, हमने तो बहुत समझाया लेकिन उसकी अकल में ही नहीं आ रहा। किसकी? जी वो जफरी की। जफरी की अकल में क्या बात नहीं आई? वो आप नाराज नहीं होइएगा, जफरी यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, हम मजबूर हैं। क्या मतलब है शादी नहीं करना चाहता? ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है? जब लड़का राजी नहीं था तो आप लोग रिश्ता क्यों लेके आए थे? हम ही मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए, जलील करने के लिए। नहीं नहीं, हमने कोई बेवकूफ नहीं बनाया आपको। नहीं तो ये क्या है, लड़के से मर्जी नहीं पूछी और चली है रिश्ता लेने। क्या किसी ने कुछ कह दिया हमारे बारे में? नहीं नहीं आंटी, आप यकीन जाने किसी ने भी आपके लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तभी हमारे साथ ये सलूक किया है। हम नहीं आए थे आपके घर रिश्ता लेके, आप लोग आए थे हमारे यहाँ रिश्ता लेके तेरी भाभी के साथ। उस दिन याद है कैसे कहा था, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आए आप लोगों से मिलने। प्लीज आंटी आप रोए मत। नहीं तो क्या करे, कह के मारे, ये क्या चराग जलाए कि हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है? कहाँ है वो तेरीम बाजी जो बड़ी बहन बन के आई थी रिश्ता लेके? अम्मी पता नहीं किस बात काम से बदला लिया है उन्होंने। तेरीम भाभी का कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं, कसूर तो हमारा है जो आप जैसे लोगों पे भरोसा किया। कहाँ है आपकी वालदा, हाँ, जो आई थी उस दिन बड़ा रिश्ता लेके बड़े रोब के साथ, क्यों नहीं आई आज वो जब रिश्ता तोड़ने की बात आई है? बेटे का पता ही नहीं है कि उसकी मर्जी है या नहीं है, और आ गए सब रिश्ता लेके हमारी लड़की को बदनाम करने के लिए। देखिए प्लीज, आप मेरी अम्मी के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आपकी अम्मी की हम तारीफें करें, बड़ा सुना था उनका बड़ा रोब है, आज हिम्मत क्यों नहीं थी उनकी यहाँ पर आके ये रिश्ता तोड़ने की बात करने के लिए? तमीज से बात करें आप। अच्छा तो आपको सर पे बिठाऊं अब मैं अपने? निकले यहाँ से, उठे और जाए। चुप हो जाए अम्मी, अच्छा हुआ ऐसे बदतमीज लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। भाई उन लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की मैं आपको बता नहीं सकती, और अम्मी को भी इतना बुरा भला काहे? तो जाए बताए ना उस आशिक को, जगह जगह अम्मी की बेइज्जती कराता फिर रहा। अब उसे बताने का क्या फायदा? अरे तुम लोगों की इसी ढील की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। मेरे हवाले करो, दो दिन में इश्क का भूत उतार दूंगा मैं उसका। तेरी भाभी की तो जान अब मुसीबत में आ जाएगी, वो मेमुना की बड़ी बहन थी ना, इतनी बदतमीज और इतनी तेज ताने दे दे के बंदे को मार दे। अरे तो इस बात पर वो क्या है कि वो तुम्हें कोई लड्डू तो खिलाने से रहे। अब सोचो अगर उनकी जगह कोई और होता, कोई और को छोड़ो, अगर हमारे अपने साथ ये होता तो हम क्या करते भला? अम्मी सुनेंगी तो उनको कितना अफसोस होगा। अम्मी को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुना तुमने? बस कहते ना मना करके आ गई, और तुमने भी कौन सा जाने का बताया था उनको? पता तो चल जाना है, तब की तब देखी जाएगी, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी।
तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या हो गया? अब देखना, उधर मम्मी मुझे चली कटी सुनाती रहेंगी और इधर ऐनी भाभी, ऐनी भाभी ताने दे दे के मेरा हजर करती है। मैंने तो भलाई चाही थी, नेकी चाही थी। तहरीन, तुम अब तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं, रो भी ना, लड़ तो सकती नहीं हूँ। तुम चाह रही थी कि मसले का हल हो, अब मसला हल होने वाला है। बच्ची, मसले का हल घर वालों के लिए, तेरे लिए तो मसला शुरू हुआ है ना बच्ची। देखो तेरी, जिस वक्त तुमने मुझसे शादी की थी उस वक्त मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन आज तुमने मेरे घर की इज्जत बचाई है, अब मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। तहरीम, बस कर। कहाँ गई थी? वो मसूद के कोई यहाँ रिश्तेदार है, उनके घर गई थी। क्यों? वो मसूद ने फोन किया था, कहने लगे कि अम्मी के लिए कुछ ले आना, मतलब कुछ मंगवाया था इस वजह से। क्या मंगवा? हाथ में तो तुम्हारे कुछ भी नहीं, कुछ भी तो लेके नहीं आई तुम। वो जो जिनसे कुछ मंगवाया था ना, तो वो लोग नहीं लेकर आए, मंगवाएंगे तो फिर लेने चल गया हूँ। इधर देखना सर, रो के आई हो क्या? नहीं नहीं, वो रास्ते में आ रही थी ना, तो रक्षे में थी, आप कुछ चला गया वो शायद इस वजह से। तीन तीन गाड़ियां घर में खड़ी हैं, तुम्हें क्या जरूरत थी रक्षे में जाने की? अकेले कितना बुरा लगता है। अम्मी आप भी बात बात पे सवाल करते हैं। क्या हुआ इसे? या अल्लाह खैर। हाँ तो मना कर रहा है जी डैडी, लेकिन क्या है कि हुआ गलत। हाँ ये तो है, 100% गलत हुआ। डैडी कुछ नया तो नहीं ना हुआ? अब तो अक्सर यही सुनने में आता रहता है कि गलती हो गई और गलत हो गया। क्या है कि जिस पे गुजरती है ना उससे पूछो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और फिर अब दूसरा मसला, वो अपनी जफरी की शादी का। तो क्या हम जफरी की वही शादी कराएंगे? सॉरी डैड, वैसे मुझे लगता है कि आप खुद भी यही चाहते हैं। अक्का मियां, ज्यादा बेवकूफों वाली बात करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी जज्बात से नहीं गुजरती। और वैसे भी अक्का भाई, वो बुराई क्या है उस रिश्ते में? अरे बुराई क्या, ना देखा ना भाला, चले रिश्ता करने के लिए, पता नहीं कैसे लोग हैं। स्टेटस देखा है उनका आपने? फैक्ट्री ओनर है उसका बाप, और लड़की को देखो वो क्या है कि कितनी बेबाक है। मुझे एक बात बताएं, मच्ची भाई का भी तो यही केस था ना? घर में सबसे ज्यादा सेंसिबल खातून कौन है? तहरीम भाभी। इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया उन्होंने, कोई और होता उनकी जगह तो पूरे घर में हंगामा खड़ा करते थे। अरे भाई, शादी एक जुआ है, कुछ पता नहीं होता। बाकी रही स्टेटस की बात, ठीक है भाई हम उनके मुकाबले के नहीं है, लेकिन अपना जफरी भी तो फॉरेन क्वालिफाइड है ना जी। इंशाल्लाह तुम देखना सब कुछ बेहतर होगा। हमें तो रिश्ता लेके जाने से रही। अरे भाई वो तो शादी में बैठने को तैयार नहीं, लेकिन हल्के हल्के सब ठीक हो जाएगा भाई, आखिरकार माँ है, मान ही जाएंगे। लेकिन रिश्ता लेने अब जाएगा कौन? तुम? मैं? भाई देखो, जिस किस्म की सूरत हाल है ना, उसमें मेरा जाना मुनासिब नहीं है। सोच रहे हैं? अरे हाँ, बहुत अच्छी तरह सोच लिया।
तो फिर ठीक है ना डैडी, अक्का भाई, एनी भाभी, खदीजा बाजी और मैं रिश्ता लेने के लिए चले जाएंगे। नहीं, एनी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर अम्मी को पता चल गया तो? भाई मैं बात कर लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या कर दिया है? मैंने क्या किया, मैं तो खुद मजबूर हूँ। चची अम्मी का कहना सही हुआ ना, ले देकर एक तुम्हारे मामू का घर था मेरे लिए, वो भी गया। भाई मैं तो बस सिर्फ तुमको आज ये कहना चाहता हूँ कि शादी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कल को अगर कोई ऊंच नीच होगी तो आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। अरे अब तो खुश हो जाओ, बस किसी वक्त भी हमारे घर वाले मिलने वाले हैं। रियली? तुम्हारे अम्मी डैडी आएंगे? अम्मी तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि अम्मी के पैरों में जरा दर्द है और डैडी से बोला नहीं जाता। ये क्या बात है भाई? अरे जो हमारे डैडी है ना, वो बोलने में थोड़े चोर हैं, तो इसलिए उन्होंने इन कामों के लिए अक्का भाई को रखा हुआ है और अक्का भाई सबसे बात करते हैं। तुम बेकार में परेशान हो रही थी, इतना स्ट्रेस ले रही थी। अरे जफरी तुम समझते नहीं हो। देखो रचना, हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे वो चीज होती है। सही। इससे तो साफ पता चलता है कि जफरी के पेरेंट्स इस शादी पर राजी नहीं हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, डैडी जरा कम बोलते हैं। ऐसा भी क्या कम बोलना, हम कोई गानों का मुकाबला तो नहीं करा रहे थे। अम्मी मैंने कह दिया है, जफरी के भाई जरूर आएंगे। अकेले? यकीनन और भी घर के लोग साथ होंगे। पता नहीं इस शादी का क्या अंजाम होगा, जो तुम्हारे जी में आए वो करो। इस शादी का अंजाम बहुत अच्छा होगा, यू जस्ट बी रिलैक्स। अरे आप आखिर डॉक्टर को दिखाती क्यों नहीं है, इसमें क्या बहस है? मैं कोने में पड़ी हूँ ना, यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं कहीं जाना। अरे भाई आप डॉक्टर को दिखाएं, कब से कमरे में कैदी बनी बैठी हुई। इस घर की आजादी से कैद बहुत बेहतर है। आज शाम आप डॉक्टर के यहाँ जाएं अक्का के साथ, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अरे कभी किसी की सुन भी लिया करो। सबकी ही सुनती हूँ, अब मेरा और काम ही क्या रह गया। ये भी सुन लिया कि खदीजा जो है वो तहरीम की मानी को जाके मना कराए। अरे वो तो मना करा है। खैर अफसोस तो बेतहाशा है, लेकिन एक सुकून भी है कि तहरीम और उसकी वालदा से एक बात तो हो गई। अरे तहरीम बहुत अच्छी लड़की, माफ कर देने वाली, बहुत बड़े दिल की मालिक। अच्छा वो इशरत, मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। कहिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना, सच बताइए। कर भी दें अब। देखिए आपने कहा कि जफरी की शादी यहाँ से होने नहीं देंगी और ना ही कोई शरीक होगा। बिल्कुल कहा, और इसी बात पर अभी तक कायम हूँ और आखिर तक रहूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा ना, सोच कर बताइएगा। ठीक है। रिश्ता तो ले जा सकते हैं ना हम जफरी का? देखें आपने कहा हम चुप रहे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि जफरी का रिश्ता कोई नहीं लेकर जाएगा। ये उसी लड़की के रिश्ते जाने की बात कर रहे हैं आप? अरे मैं खुद थोड़ी जा रहा हूँ, अक्का और खदीजा जाएंगी। फायदा क्या, जब शादी में किसी ने शरीक ही नहीं होना तो बाद में बातें बनेंगी। जफरी आखिरकार हमारा बेटा, अगर घर में से कोई नहीं जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। देखो खदीजा और अक्का जा रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम खुशी खुशी हो जाए। चले जाएं, लेकिन मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जाने पर भी तो कोई इतराज नहीं है ना? शुक्रिया शुक्रिया। इसको कहते हैं सर पे हथौड़ा मार के इजाजत लेना। गोगली साहब ने आपको सब बता तो दिया होगा, क्योंकि आजकल खास आदमी वही चल रहा है। जी आपको ये भी मालूम है कि आपके इनकार से घर में सब नाराज हैं, और अम्मी ने तो शायद उस दिन से आपसे बात भी नहीं की होगी। बात?
वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात, माँ नाराज है और बेटा बराबर का नाराज है। डैडी डर लग रहा है मुझे। इनकार करते हुए डर नहीं लगा था भाई, मैं तो बस सिर्फ तुमको आज ये कहना चाहता हूँ कि शादी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कल को अगर कोई ऊंच नीच होगी तो आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। बाकी रही बात अक्का खतीजा गुगली, वो रिश्ता लेने चले जाएंगे, आप बस लड़की वालों को बता दीजिएगा। वो मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो उनके डैड की कंडीशन सही नहीं है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। अच्छा अल्लाह उन्हें सेहत दे इंशाल्लाह। तो फिर कब? ठीक है, पक्का आ जाता है तो उसे कह देता हूँ, आजकल में चले जाएंगे। थैंक यू डैडी। अम्मी आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ। अरे आप बात करने को बचा ही क्या है, इधर तुम्हारी मुमानी ने अपना बुरा हाल कर लिया है और उनकी बड़ी बेटी, उसने वो सुनाई है मुझे, ऐसे मेरे मुंह को आई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या कर दिया है? मैंने क्या किया, मैं तो खुद मजबूर हूँ। चची अम्मी का कहना सही हुआ ना, ले देकर एक तुम्हारे मामू का घर था मेरे लिए, वो भी गया। अम्मी आप मेरी तरफ से मुमानी से माफी मांग लीजिए। वो तो सीधी सादी औरत है, उसकी बेटियां देखना कैसे तुम्हारे साथ पेश आती है। क्या करूं मैं? करना क्या है, बैठी रहो तुम अपने ससुराल में और हर बात उनकी मानती रहो। वैसे बात सुनो, वैसे तो तुम्हारी सास बड़ी ठस्से वाली है, अब क्या वो शर्म नहीं आई उनको अपनी जुबान से फिरते हुए? अम्मी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा कैसे नहीं है उनका हाथ, सारा किया धरा उन्हीं का है, उन्हीं का रोब चलता है घर पे, उन्हीं की हुकूमत चलती, फिर उन्होंने कैसे नहीं किया? अब बेइज्जती कर रही हैं उनकी। उनका क्या गया, हमें जलील करवा दिया ना, तुम तो बस करती रहो गुलामी अपने ससुराल वालों की। उनका तो कुछ नहीं गया, मेरा भाई मुझसे छूट गया, उससे नाराज हो गया वो। अरे अक्का मियां, कल शाम को रिश्ता लेने चले जाना। कल शाम को? डैडी इतना जल्दी? तो अक्का भाई आपने क्या ब्यूटी पार्लर जाना है भाई, ऑफिस से सीधा घर आइएगा और फिर हम चलेंगे। हाँ लेकिन वो क्या है कि अम्मी से पूछ लिया है। अरे भाई उनकी इजाजत के बगैर कोई काम हो सकता? हाँ अम्मी बता रही थी। डैडी यू आर ग्रेट। अरे भाई ग्रेट व्रेट कुछ नहीं, बाप हूँ, हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती। अरे अक्का मियां क्या अभी से जाने की तैयारियां शुरू करोगे? नहीं वो क्या है कि मोबाइल भूल आया था, वो ही लेने जा रहा को। किस बात का डर है, अगर हमारे खानदान पे बात आई होती ना यूं तो हम देखते कैसे रिश्ता टूटता। तो फिर आपने रिश्ता कुछ नहीं टूटने देना था? बड़ा जिक्र खैर हो रहा था तुम्हारा। कहां? अरे कोई जफरी के ससुराल में। तो मैं क्या करूं? अरे करना कुछ नहीं है भाई, खतीजा बता रही थी कि जितनी भी गुफ्तगु हुई वो आपके लिए हुई। जब उस शादी से मेरा लेना देना ही कुछ नहीं है तो मेरी बला से वहां जो मर्जी होता रहे, मैं क्या करूं? अगर जफरी अम्मी के पास जाए, उनसे सॉरी कहे, माफी मांगे, रो दे, तो ये हो ही नहीं सकता कि अम्मी उसको फट से माफी ना करें।